भारत में आज भी करीब 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। एक रिपोर्ट की माने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या सबसे अधिक भारत में थी। न जाने कितने ही लोगों को भर पेट खाना नसीब नहीं होता है और वो अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आप कभी इसे चर्चा के विषय के रूप में नहीं पाएंगे। लेकिन मुंबई की कुछ महिलाएं इस समस्या से निपटने में लगी हुई हैं। ये महिलाएं मिलकर गरीबों के लिए खाना बनाती हैं और एक प्लेट खाने का दाम सिर्फ 10 रुपए है। माटुंगा का राज रोटी सेंटर पूरे मुंबई शहर में मशहूर हो चुका है। ये गरीबों को बेहद सस्ते दाम में खाना देता है। ये काम 9 मई 2016 से शुरू हुआ। शुरू में इस टीम में सिर्फ 5 महिलाएं थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ये महिलाएं अपनी जॉब के अलावा ये काम करती हैं। पहले 3 महीने इस खाने की कीमत मात्र 5 रुपए रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया, जो कि अभी काफी कम है। ये प्रोजेक्ट श्रीमद राजचंद्र आत्मतत्व रिसर्च सेंटर द्वारा शुरू किया गया है। इस रिसर्च सेंटर के तहत गरीबों के लिए ऐसी ही कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनकी एक थाली में 6 रोटी सब्जी और एक केला होता है। ये लोग खाना देते समय इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कोई इसका फायदा न उठाए, इसलिए खाना देने से पहले ये राशन कार्ड या बिजली का बिल चेक करते हैं। जिस परिवार की आय 7 से 8 हजार रुपए प्रति महीने तक है और घर में 6 से 7 सदस्य हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी ये खाना देती हैं। ये सेवा फिलहाल बोरिवली और माटुंगा में स्थित है, लेकिन ये महिलाएं इसे मुंबई के दूसरे इलाकों तक पहुंचाने के बारे में सोच रही हैं। इसके साथ ही इनकी कोशिश है कि वो उन लोगों तक भी खाना पहुंचा सके जो सेंटर तक खुद नहीं आ सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।